खबर के बाद फिर से स्वागत है आपका। सूबे में लगातार भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर इंडिया वॉच के संवाददाता सोनी कपूर ने यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। मानसून करीब है, मानसून की बात करी जाए तो हर छोटे जिले जो है वहाँ पे बाढ़ से जो समस्याएं आ जाती है वहाँ की जनता को, जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सरकार ने नई मुहिम चला दी है। हमारे साथ इस समय मौजूद है धर्मपाल जी, जो कि यांत्रिक सिंचाई और सिंचाई मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से दिशा निर्देश दे रही है। सर देखिए, बाढ़ से संबंधित सारी तैयारियां पूरी हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार बाढ़ से न जनहानि होने दी जाएगी और ना धनानी होने दी जाएगी। जून में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बैठक 40 जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को बुलाकर कर ली है। उसमें NDRF SDRF सारे चीज़ों को अधिकारियों को बुला लिया, यानी संक्रामक रोग से लेकर सांप काटने तक की दवा का प्रबंध करा दिया गया है। कहीं भी जहाँ संवेदनशील जिले हैं और पानी के प्रभाव से कोई भी गाँव जलमग्न हो जाएगा तो उसको बसाने का भी प्रबंध करने के लिए सीमाओं के अनुसार जगह तलाश करने के भी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश में अभी बरसात प्रारंभ हुई है, हमारे तटबंध सभी सुरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। सरकार किसी भी तरीके से न जनहानि होने देगी और न धनहानि होने दी जाएगी। सबकी चिंता की जाएगी और बाढ़ से सबको सुरक्षा दी जाएगी। सर, किसानों की बात करी जाए तो वहीं पे किसान जो कहीं ना कहीं आप किसानों के लिए बहुत अक्सर हमेशा कोई ना कोई मुहिम चलाते हैं, उनके लिए बड़ा सोचते हैं, तो इस बार क्या है आपकी सरकार और आप किस तरह से मिनिस्टर हैं और जिम्मेदार मिनिस्टर हैं, किस तरह से? किसान योगी सरकार की प्राथमिकता है और किसान बाढ़ से जो भी फसल प्रभावित होगी तो तहसीलों के द्वारा तहसीलदारों से उसका सर्वे कराकर जितनी फसल का नुकसान होगा उसका सरकार मुआवजा देने का काम करेगी। और किसान सरकार की प्राथमिकता में है, किसान को किसी भी तरीके से परेशान नहीं रहने दिया जाएगा। सर, अधिकारियों की बात करी जाए तो आपकी सरकार हमेशा एक्टिव रहती है, छोटी से छोटी बात हो कहीं ना कहीं लेकिन उस पर एक्शन हो जाता है। जी जी, क्योंकि आपने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं बख्शा जाएगा, तो किस तरह से एक्शन ले रहे हैं अधिकारी? देखिए, पिछले बार हमने 36 अधिकारी निलंबित किए थे और इस बार जब धीरे धीरे, पहले सिंचाई विभाग माने ये माना जाता था भ्रष्टाचार, अब अधिकारियों ने सरकार के अनुसार अपना मन बदला है, अब अधिकारी अच्छा काम करने लगे हैं और सीधे स्पष्ट निर्देश दिया है हमारे द्वारा, जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे और जो अच्छा अधिकारी अच्छा काम नहीं करेगा उसको दंडित करने में भी जरा भी देर नहीं लगाएंगे। तो ये तो थे सिंचाई मंत्री धर्मपाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी सरकार जिस तरह से जो अधिकारी हैं या जो लोग परेशान हैं, जनता परेशान है या बाढ़ से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको पूरी तरह से देखेगी और उस पर तुरंत आदेश करेगी। मैं कैमरामैन ज्ञान के साथ सोनी कपूर, इंडिया वॉच, लखनऊ। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम के भतीजे को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जहां दाऊद के भतीजे रिजवान कास्कर को फिरौती मांगने के आरोप में तब गिरफ्तार किया गया जब वो देश छोड़कर भागने की फिराक में था। वह रिजवान कास्कर दाऊद के भाई इकबाल कास्कर का बेटा है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ जांच करते हुए मुंबई पुलिस ने इससे पहले अफरोज वडारिया उर्फ अहमद रजा को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया। साथ ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार वडारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था। सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने पर 3 तलाक की याचिकाकर्ता इसरत जहां को जान से मारने की धमकी और घर खाली करने का निर्देश मिला है। जहां इसरत को हावड़ा के दबसन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर में पाठ में शामिल हुई थी, वहीं इसके बाद इसरत के मकान मालिक मनाजीर हुसैन ने उससे मकान खाली करने के लिए कहा। साथ ही इसरत को घर खाली करने के अलावा जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। बता दें कि इस घटना के बाद इसरत ने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बालाकोट के जैस कैंप में हुए भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है। खुफिया एजेंसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जम्मू से सटे भारत पाकिस्तान सीमा से लगती सड़कों का इस्तेमाल जम्मू में आतंकी हमले के लिए कर सकते हैं।
खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF से कहा है कि वो सीमा पर अपनी कड़ी चौकसी बनाए रखें। सरकार से BSF समेत सभी एजेंसी से कहा है कि वो ये पता लगाएं कि जम्मू से सटे पाकिस्तान के इलाके में वो कौन कौन से लॉन्चिंग पैड हैं जिसके जरिए आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिवालिया घोषित कानून के 7 सुधारों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाला घोषित कानून में बदलाव से कई अवरोधों को दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं इसके तहत मुकदमेबाजी और अन्य न्यायिक प्रक्रिया सहित कॉर्पोरेट दिवाला संकल्प प्रक्रिया में 303 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। साथ ही बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिवालिया कानून में अब तक 2 बार संशोधन हो चुके हैं। बता दें कि कानून में बदलाव के अनुसार संकल्प योजना केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी। आज तक देश के सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जल विद्युत प्रकल्प प्रोजेक्ट, यह आज मंजूर हुआ है। अरुणाचल में दिबांग प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज है, और इसमें 1600 करोड़ रुपए वहां रिहैबिलिटेशन, एफोरेस्टेशन, वहां तक पहुंचने के सड़क और ब्रिजेस और ये सारा तैयार किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया आज क्लीन और क्लाइमेट चेंज से सामना कर रही है, तब इतना बड़ा एक हाइड्रो प्रोजेक्ट होना यह अपने आप में भारत की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दौर से मून मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 15 जुलाई को लॉन्च से 56.24 मिनट पहले रोक दी गई, जहां चंद्रयान 2 को तड़के 2:51 सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट GSLV से लॉन्च किया जाना था, लेकिन 56:24 पहले का काउंटडाउन रोक दिया गया। वहीं इसके प्रवक्ता BR गुरुप्रसाद ने इसरो की तरफ से बयान देते हुए कहा है कि MK3 लॉन्च व्हीकल में खामी आने की वजह से लॉन्चिंग रोक दी गई। साथ ही लॉन्चिंग की अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। शामली जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पुलिस को 3 संदिग्ध लोगों की कस्बे में आने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने रात ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर सवार 3 लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। शामली जनपद पुलिस को सफलता मिली है। हमारी थाना भवन यूनिट, जो थाना भवन है, उनके प्रभारी संदीप बालियान, उनके नेतृत्व में शातिर लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बाइक पे 3 बदमाश आ रहे थे, उसकी सूचना मिली थी मुखबिर से। इस सटीक सूचना पे हमारे थाना प्रभारी और उनकी टीम, जिसमें पवन सैनी और उनके साथी सब शामिल थे, सभी ने मिलकर के घेराबंदी की हुई थी। और सूचना यही थी कि कुछ दिन पहले जो लूट हुई थी महिला से, उससे संबंधित बदमाश आ रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पे हमारे थाना भवन की टीम लगी हुई थी घेराबंदी। अभी तक की खबरों में इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉच। नमस्कार।